हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ सेंट जोसेफ्स एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद। माय सेल्फ रजनी रानी, आई एम योर मैथ्स टीचर। आवर टुडेज टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पेज नंबर 27। इन द प्रीवियस क्लासेस यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन addition and subtraction. In this class I am going to explain you addition and subtraction, that is given on page number 27 in your maths book. Yes students, with the help of example I am going to explain you this topic. Yes, our example is okay students. Yes students, this is only just simple plus, but this question is given in front of you in different way. Okay, there is nothing change, simple sum of addition. Okay, but the way of writing, okay, the way of presentation of this question is quite different. बेटा यहाँ पे जो ये क्वेश्चन गिवन है ये सिंपल प्लस का है, बट इसमें जो डिजिट्स दी हुई हैं उनको थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर दिया है, जिससे ये आपको कुछ अलग तरीके के लग रहे हैं। नो, डोंट वरी, दिस इज ओनली सिंपल एडिशन। ओके बेटा, एज यू नो वेरी वेल, आप यू नो हाउ टू डन दीज क्वेश्चंस। ओके, ये आपको करने आते हैं, बट नाउ यू आर आई थिंक यू आर अफ्रेड विद दिस क्वेश्चन, आप कुछ डर रहे हैं कैसे इनको देखकर। नो, डोंट वरी, दिस इज सिंपल प्लस। नाउ आई विल टेल यू हाउ दिस इज सिंपल एंड प्लस। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एट द कॉर्नर ऑफ द टॉप, बेटा सबसे ऊपर आप यहाँ देखिए, सबसे बेटा पहले आप ये सबसे ऊपर हम पहले देखते हैं। ओके बेटा, सबसे वन बॉक्स में हम देखते हैं साइन क्या है। ओके बेटा, देखिए, नाउ इन फ्रंट ऑफ यू प्लस साइन इज गिवन। ओके बेटा, ये प्लस का साइन है, सो इट मींस हियर वी विल डन प्लस, हम यहां क्या करेंगे बेटा, प्लस और एडिशन। ओके बेटा, यस, नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज बेटा, नाउ इन फ्रंट ऑफ यू बेटा, यहां पे नंबर दो तरीके से दिए गए हैं। वन, स्टैंडिंग लाइन। ओके, स्टैंडिंग लाइन में, ओके, एंड वन इन स्लीपिंग लाइन। ओके, एक नंबर हमें बेटा साइड में गिवन है और एक नंबर हमें ऊपर गिवन है। नाउ वी विल एड ओनली द नंबर्स दैट इज गिवन इन साइड एंड टॉप। बेटा यहां पर हमें क्या करना है, जो नंबर साइड में गिवन है नंबर वन बॉक्स में और जो ऊपर गिवन है वन बॉक्स में, पहले हम उनको प्लस करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप इज स्टैंडिंग लाइन का नंबर वन बॉक्स और बेटा स्लीपिंग लाइन का नंबर टू बॉक्स, हम उसको प्लस करेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू विद द हेल्प ऑफ एरो। बेटा सबसे पहले हम टू प्लस थ्री करेंगे और उसको नीचे के बॉक्स में लिखेंगे बेटा, जहां पे हमने फाइव गिवन है ना, नंबर वन बॉक्स में। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लस सिक्स। अब बेटा हम क्या करते हैं, टू को सिक्स के साथ प्लस करते हैं और उसको नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे। देखिए आप साइड में देख रहे हो ना, टू प्लस सिक्स। ओके बेटा, यस, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मीन सेकंड स्टेप इज बेटा, नाउ वी विल गो डाउन। अब बेटा स्लीपिंग जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है ना, उसमें आप नंबर टू वाले बॉक्स में जाइए, यस, फाइव। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बेटा, अब हम स्टैंडिंग लाइन का सेकेंड बॉक्स एंड स्लीपिंग लाइन का फर्स्ट बॉक्स, ओके, मीन्स फाइव एंड थ्री विद द हेल्प ऑफ एरो बेटा, यस, ओके, नाउ अंडरस्टैंड बेटा। एंड सेकेंड, नेक्स्ट स्टेप इज बेटा, नाउ सेकेंड बॉक्स ऑफ स्टैंडिंग एंड सेकेंड बॉक्स ऑफ स्लीपिंग, मीन्स फाइव प्लस सिक्स। ओके, हमें यहां पे ये करना है, सिंपल एंड नो प्रॉब्लम, सिंपल तरीका, और बेटा उसमें कुछ भी नहीं है।
ओके, हमें स्टेप बाय स्टेप, नंबर बाय नंबर बॉक्सेस को ऐड करना है. बॉक्सेस को ऐड करना मींस द नंबर ऑफ द बॉक्सेस आर गिवन. जो हमें नंबर उन बॉक्सेस में गिवन है, वी विल ऐड ओनली द नंबर्स दैट आर गिवन इन द बॉक्सेस. ओके यस बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक नंबर टू. अब बेटा नंबर टू को लीजिए. यस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लस और वी विल ऐड 2 + 3. यस ओके बेटा, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, 2 + 3. नाउ बेटा इसको हम कहाँ लिखेंगे, 3 और 2 के सामने वाले बॉक्स में. यस, ये 5 हमारा इस तरीके से आया. अंडरस्टैंड बेटा? यस, 2 + 3. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ 2 lines, 1 and 2. ओके बेटा, 1 2. नाउ नेक्स्ट 3 lines ऑफ, यस, 1 2 and 3. ओके बेटा, नाउ वी विल काउंट ऑल, 1 2 3 4 5. ओके बेटा, नाउ अवर आंसर 5 इज हियर. इस तरीके से हमारा 5 आया है. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट कॉलम. यस, नाउ अवर नेक्स्ट बेटा, अवर नेक्स्ट कॉलम इज नंबर 2 with 6. ओके बेटा, नाउ 2 वी विल प्लस 2 with 6. अब बेटा हम क्या करेंगे, 2 को हम 6 के साथ प्लस करेंगे, दैट इज गिवन इन द साइड. ओके बेटा, और उसको हम कहाँ लिखेंगे, 6 के नीचे वाले कॉलम में. ओके, सिंपल. ओके, हमने क्या किया बेटा, 2 को 6 के साथ प्लस किया, दैट इज गिवन इन द साइड ना. यस ओके बेटा, नाउ हाउ वी विल ऐड, वी विल कीप. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज नाउ ब्रेन मेथड. अब हम कैसे करेंगे बेटा, वी विल कीप 6 इन अवर माइंड. 6 को अपने माइंड में रखेंगे एंड वी विल काउंट 2 more. स्टार्ट 6 इन माइंड, देन 1 7 and 8. सो अवर आंसर इज 8. ओके, ये बेटा 8 इस तरीके से आया. नाउ अवर सेकेंड. यस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 वी विल प्लस विद 3. ओके यस, नाउ 5 + 3. ओके, नाउ वी विल काउंट बेटा. अब हम क्या करेंगे, वी विल काउंट, वी विल कीप 5 इन अवर माइंड एंड 3 वी विल काउंट. 5 बेटा नंबर 3 काउंट करिए, 6 7 8, यू नो. नाउ बेटा साइड में लिखा भी है ना 5 + 3, तो बेटा ये जो 8 है ये इस तरीके से आया. एंड नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप, 5 वी विल ऐड 5 + 6. ओके, और बेटा वो साइड में गिवन है ना उसके नीचे 5 + 6. यस, ये नाउ वी विल काउंट, वी विल कीप 5 इन अवर माइंड. बेटा 5 को अपने माइंड में रखेंगे एंड काउंट 6 7 8 9 10 11. ओके, नाउ 11 इज अवर आंसर. अब ये 11 हमारा इस तरीके से आया है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दी स्टेप्स. नाउ अवर नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. नाउ स्टूडेंट्स अवर एक्सरसाइज. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंप्लीट अवर एक्सरसाइज. ओके, नंबर 1 A. यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक अवर साइन. ओके यस, नाउ एट द टॉप साइन इज गिवन ऑफ प्लस. इट मीन्स हेयर वी विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एडिशन. ओके बेटा, साइन से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें यहाँ पर प्लस करना है या माइनस करना है. ओके, इन दिस क्वेश्चन साइन ऑफ प्लस इज गिवन. इट मीन्स हेयर वी विल ऐड ऑल द नंबर्स. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड 4 with 1. ओके बेटा, एंड वी विल राइट अवर आंसर इन फर्स्ट बॉक्स. यस ओके यस स्टूडेंट्स, 4 + 1 = 5. हाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट 4 lines. यस, वी विल ड्रॉ 4 lines. नाउ 4 lines इज गिवन. नाउ 1 line more. यस, नाउ वी विल काउंट टूगेदर, 1 2 3 4 5. ओके बेटा, अवर फर्स्ट आंसर इज हियर 5. नाउ अवर सेकेंड स्टेप इज वी विल ऐड 4
with 0. And we will write in down column. Yes, students, as you know very well, when we add any number with 0 is equals to same number. Because our basic rule, number plus 0 is equals to same number. Why? Because 0 stands for none. Okay, students, 0 की अपनी कोई value नहीं होती. That's why जब हम किसी number में, किसी digit में 0 को add करते हैं, that time there is no change in the given digit. Okay, students, इसीलिए बेटा हमारा जो 4 है, वो same रहेगा, means उसमें कोई change नहीं आएगा, means our answer is 4. Okay, now, yes, friends, now we will move on next, means next column, 3. Yes. First of all, we will add 3 with 1 and write down column, second column. Yes, beta. Yes, as you know very well, beta, jab 3 mein hum 1 add karenge, then our answer is 4. Now, let's do, first of all, we will draw 3 lines. 1, 2, 3. And now, 1 more line. Yes. ओके, नाउ वी विल काउंट टुगेदर. बेटा ऊपर की 3 लाइंस किसको शो करती है? 3 नंबर को. एंड 1 लाइन किसको शो करती है? ऊपर वाले 1 को. ओके, यस, नाउ वी विल काउंट ऑल टुगेदर. यू नो वेरी वेल प्लस का मतलब क्या होता है बेटा? टुगेदर, सबको साथ में लेके आना. यस, 1 2 3 एंड 4. यस बेटा, ये आंसर हमारा 4 इस तरीके से आया. ओके, नाउ अगेन स्टूडेंट्स, वी विल ऐड 3 विद 0. ओके बेटा, बिकॉज नेक्स्ट डिजिट इज 0 ना. नाउ वी विल ऐड 3 विद 0. अगेन सेम अवर बेसिक रूल, व्हेन वी ऐड 0 विद एनी नंबर, देयर इज नो इफेक्ट इन द गिवन नंबर. ओके बेटा, बिकॉज अवर बेसिक रूल इज नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू सेम नंबर. व्हाई? बिकॉज 0 स्टैंड फॉर नन. ओके, 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती. दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन द गिवन डिजिट. ओके, मींस 3 विल बी रिमेन सेम. ओके, यस स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर बी. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक एट द टॉप, मींस आवर साइन हियर प्लस गिवन और माइनस गिवन. ओके बेटा, बट इन आवर क्वेश्चन हियर प्लस साइन इज गिवन, सो वी विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एड, मीन्स विद द हेल्प ऑफ प्लस. ओके, यस, नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 8 विद 4, मीन्स वी विल काउंट 8 एंड 4 टूगेदर, बिकॉज एड काउंट्स ऑल. ओके बेटा, एड ऑल द थिंग्स टूगेदर. एड जब किसी चीज को हम प्लस करते हैं, वो उसको पास पास लेके आता है ना, वी विल काउंट ऑल. ओके, हम एक साथ सबको काउंट करते हैं. यस, ओके, नाउ वी विल ड्रॉ 8 लाइंस. ओके, यस, ओहो, ओके, आई एम फॉरगॉट बेटा, 8 के बाद जब हम 8 को प्लस से 4 करेंगे, देन वेयर वी विल राइट अवर आंसर. यस, डाउन 8 के सामने और 4 के नीचे वाले बॉक्स में. यस, नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज वी विल ड्रॉ 8 लाइंस. ओके बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ अवर 4 लाइंस, 1 2 3 4. नाउ वी विल काउंट ऑल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके स्टूडेंट्स, ये 12 बेटा इस तरीके से हमारा आया. नाउ ब्रेन मेथड, अब हम ब्रेन मेथड यूज करेंगे. वी विल कीप 8 इन अवर माइंड. ओके बेटा, 8 अपने माइंड में रखेंगे एंड वी विल काउंट 4 फॉरवर्ड, 4 हम नंबर आगे यूज करेंगे. नाउ कीप 8 इन अवर माइंड, 8 को अपने माइंड में रखिए एंड काउंट 4 आगे फॉरवर्ड, 9 10 11 12. ओके बेटा, देखिए हमने टू मेथड्स यूज किए एंड विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स अवर आंसर इज सेम, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द करेक्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ करेक्ट स्टेप्स. ओके, यस, नाउ नेक्स्ट वी विल एड 8 विद 5 एंड राइट डाउन इन डाउन बॉक्स. ओके, यस बेटा,
नाउ हेयर वी विल टेक ब्रेन मेथड. बेटा हम कैसे करेंगे, वी विल कीप 8 इन अवर माइंड एंड एड 5 नंबर मोर. बेटा 8 को अपने माइंड में रखेंगे और उसमें हम 4-5 नंबर्स और ऐड करेंगे. ओके, बिकॉज 5 क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज 5 नंबर इज गिवन. पहले बेटा हमने 4 ऐड किया था, नाउ वी विल ऐड 5. ओके, यस, नाउ 8, 9, 10, 11, 12, 13. ओके, नाउ वी विल राइट 13 इन द डाउन कॉलम. बेटा इसका एक मेथड ये भी है. नाउ इन लास्ट स्टेप, बेटा पिछले स्टेप्स में डिजिट्स में हमने क्या यूज किया, प्लस किया था 8 with 4. और बेटा 8 तो हमारा सेम टू सेम है, बट हमारा एक नंबर ओनली वन नंबर पड़ा है ना, 4 की जगह 5 हो गया. तो हम अपना थोड़ा ब्रेन यूज करके यहाँ पे इतना लॉन्ग मेथड ना यूज करके 4 जब ऐड किया, देन दैट टाइम अवर आंसर इज 12. नाउ व्हेन वी विल ऐड 5, ओनली वन डिजिट इज ऐड ना, वन डिजिट इज मोर, सो अवर आंसर इज 13. बेटा हम ये भी देख सकते हैं इसमें. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, वी विल ऐड 11 with 4. ओके बेटा, यस, वी विल ऐड 11 with 4. नाउ एंड राइट डाउन इन नेक्स्ट कॉलम, जो बेटा 11 और 11 के सामने होगा और 4 के नीचे से नीचे वाले बॉक्स में. ओके, बिकॉज 11 इज गिवन इन सेकेंड स्टेप ना. यस, सेम वी विल टेक ब्रेन मेथड. ओके, वी विल कीप 11 इन अवर माइंड एंड वी विल काउंट 4 मोर. ओके बेटा 11 अपने माइंड में रखिए, नाउ काउंट 4, 11, 12, 13, 14, 15. ओके बेटा, यस, अवर आंसर इज 15. नाउ नेक्स्ट 11 with 5. 11 को बेटा किससे हम प्लस करेंगे, 5 से, एंड राइट डाउन नेक्स्ट कॉलम ऑफ 15. अब 15 के नेक्स्ट वाले कॉलम में अपना आंसर लिखेंगे. यस, नाउ 11 एंड 5 मोर, 12, 13, 14, 15, 16. ओके बेटा, यस, अवर आंसर इज 16. नाउ बेटा हम एक चीज में ये भी देख सकते थे, जब हमने 11 को 4 से प्लस किया, दैट टाइम अवर आंसर इज 15. अब बेटा 11 तो सेम टू सेम कॉमन है दोनों के लिए, बट हमारा केवल सिंगल डिजिट बढ़ा ना 1. तो बेटा हम एक नंबर प्लस करके 15 में 16 आगे वाले बॉक्स में भी देख के हम लिख सकते थे. ये भी एक क्विक मेथड है करने का. नाउ यस बेटा, नाउ स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू ना अवर टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके बेटा, सो नाउ वी विल कंप्लीट अवर टॉपिक विद सब्ट्रैक्शन. बिकॉज ओके बेटा, क्यों, क्योंकि बेटा हमें ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में भी करने हैं. ओके, नाउ अवर फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक अवर फर्स्ट बॉक्स. ओके बेटा, हम अपना फर्स्ट वाला बॉक्स चेक करते हैं. ओके, यस, हेयर दिस, हेयर साइन इज माइनस, सो वी विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके बेटा, एज यू नो वेरी वेल साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके, यस बेटा, हम सेम चीज करेंगे बट इन सब्ट्रैक्शन में. ओके, फर्स्ट बॉक्स वहां का और ऊपर से माइनस करेंगे, इस तरीके से हमें आंसर करना है. नाउ अब बेटा हम 6 को लेंगे, वी विल टेक 6 एंड माइनस 3. बेटा हमें 6 में से 3 को माइनस करना है. नाउ वी विल ड्रॉ 6 लाइंस. ओके बेटा, हमें 6 में से 3 को माइनस करना है और उसके सामने वाले बॉक्स में उसको लिखना है. ओके, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ 6 लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड नाउ वी विल कट 3 लाइंस, 1, 2, 3. ओके बेटा, नाउ काउंट हाउ मेनी रिमेनिंग. यस, 1, 2 एंड 3. 3 लाइंस आर रिमेनिंग, इट मीन्स अवर आंसर इज 3. ओके, नाउ नेक्स्ट. यस स्टूडेंट्स, नाउ अवर नेक्स्ट इज 6 minus 2. ओके बेटा, यस, नाउ वी विल स्टार्ट 6 minus 2 एंड वी विल राइट आंसर इन डाउनवर्ड कॉलम. ओके बेटा, यस, नाउ वी विल काउंट. देखिए बेटा, साइड में लिखा भी है 6 minus 2. यस स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरीके से करेंगे. नाउ वी विल कीप, वी विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन विद द ब्रेन मेथड. ओके बेटा, वी विल कीप 6 इन अवर माइंड एंड काउंट बैक 2. ओके बेटा, यस, 6 को अपने माइंड में रखिए और 2 कॉलम हमें बैक काउंट करना है. 6 के बाद 5 एंड देन 4, इट मीन्स 4 इज अवर आंसर. When we will subtract 6 minus 2, 6 में से 2 को जब माइनस करेंगे बेटा, that time our answer is 4. Okay, now next column, 5 minus 3.
ओके बेटा, बिकॉज नेक्स्ट नंबर 5 है और उसको बेटा 3 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल राइट डाउन बेटा 5 के सामने और 3 के नीचे सेकंड वाले कॉलम में. ओके बेटा, यस. नाउ वी विल काउंट बेटा, यहाँ पे हम लोग 5 में से 3 को कट करेंगे. ओके, एंड वी विल टेक अवर फिंगर हेल्प बेटा. अब हम क्या कर सकते हैं, अवर फिंगर की हेल्प भी, फिंगर के हेल्प से भी कर सकते हैं. ओके, यस यस, वी विल राइट. नो बेटा, वी विल टेक हेल्प ऑफ नंबर लाइन बेटा. हम 5 लाइन्स खींचते हैं. ओके बेटा, 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. 1, 3, 4, 5. यस, नाउ वी विल काउंट वंस अगेन. 1, 2, 3, 4, 5 एंड वी विल कट 3. 1, 2, 3. ओके, एंड वी विल काउंट रिमेनिंग लाइन्स. दीज आर, दैट आर द 1 and 2. इट मीन्स अवर आंसर इज 2. नाउ अवर नेक्स्ट डिजिट इज 5 minus 2. ओके बेटा, यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 में से 2 को कट करना है. नाउ सेम थिंग, नाउ वी विल टेक विद द हेल्प ऑफ ब्रेन मेथड बेटा. 5 को हम अपने माइंड में रखेंगे और 2 कॉलम बैक जाएंगे. ओके, यस बेटा, 5 हमारे माइंड में है. जब 2 कॉलम बैक जाएंगे तो बेटा क्या होगा, फर्स्ट इज 4, देन इज नेक्स्ट इज 3. इट मीन्स अवर आंसर इज 3. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कंप्लीट अवर एक्सरसाइज. यस, नंबर ए इज, नंबर ए नाउ इन फ्रंट ऑफ यू बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक अवर साइन बेटा. सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अपना साइन. ओके, यस, नाउ हियर साइन इज माइनस. इट मीन्स वी विल कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन दिस क्वेश्चन. बेटा सब्ट्रैक्शन की हेल्प से हमें ये पूरा करना है. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल माइनस 7, 2. मीन्स 7 नंबर में से हमें 2 को कट करना है. ओके, और बेटा उसके डाउन वाले कॉलम में हम इसको लिखेंगे. नाउ वी विल ड्रॉ 7 लाइन्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एंड नाउ वी विल कट 2, 1 and 2. नाउ वी विल काउंट हाउ मेनी आर रिमेनिंग. 1, 2, 3, 4 and 5. इट मीन्स अवर आंसर इज 5. ओके बेटा, और उसको 7 और 2 के बीच में जो कॉलम है वहां पे लिखेंगे. ओके, नाउ 7 minus 4. यस, नाउ वी विल यूज ब्रेन मेथड बेटा. हम 7 को अपने ब्रेन में रखेंगे, माइंड में रखेंगे और 4 कॉलम बैक जाएंगे. यस, स्टार्ट विथ 7. 7 से स्टार्ट करिए बेटा. नंबर 1, 6, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 4 एंड लास्ट इज 3. ओके बेटा, इट मीन्स अवर आंसर इज 3. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 8 minus 2. बिकॉज बेटा 8 हमारा साइड में गिवन है और 2 टॉप पे गिवन है. अब बेटा हम 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 8 के सामने वाले कॉलम में लिखेंगे. यस, वी विल कीप 8 इन अवर माइंड. ओके बेटा, 8 को अपने माइंड में रखेंगे और 2 कॉलम बैक जाएंगे. नाउ फर्स्ट इज 7 एंड नेक्स्ट इज 6. इट मीन्स 8 minus 2 is 6. सो 6 इज अवर आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट 8 minus 4. ओके बेटा, 8 में से 4 माइनस करेंगे और उसको 6 के आगे वाले कॉलम में लिखेंगे. 6 मीन्स जो 6 हमारा आंसर है उसके आगे वाले कॉलम में. ओके, यस, नाउ वी विल कीप 8 इन अवर माइंड बेटा. 8 को माइंड में रखेंगे और 4 उसमें से हम बैक काउंट करेंगे. यस, 8, स्टार्ट 7, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 5 एंड आंसर इज 4. ओके बेटा, जब हम 8 में से 4 को माइनस करते हैं दैट टाइम अवर आंसर इज 4. ओके, यस बेटा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक अवर साइन बेटा. सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अपना साइन, दैट इज माइनस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट स्टेप. अब बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्ट्रैक्ट 9. 9 में से बेटा हम क्या करेंगे, 5 कट करेंगे. यस, नाउ वी विल कीप 9 इन अवर माइंड बेटा, क्योंकि हमें 9 में से 5 को कट करना है. 9 में से, 9 इज बिग ना, तो 9 में से बेटा 5 को कट करेंगे. सो वी विल कीप 9 इन अवर माइंड एंड वी विल काउंट 5 नंबर बैक. ओके, फर्स्ट इज 8, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 6 एंड अवर आंसर, नो नो नो, आंसर नॉट बेटा, अभी एक और काउंट करेंगे.
5 and 4. It means 9 minus 5 answer is 4. Okay, beta? Yes. Now, 9 minus 0. Because next digit is 0 na? Yes. Students, you know very well, when we subtract 0 from any given number, there is no change, no effect on the given digit, because our basic rule is number minus 0 is equals to same number. Beta, jab hum kisi given digit mein se 0 ko subtract karte hain, that time no effect on the given digit. Okay, means 9 will be the same. Okay, yes. Now, our next is 10. Okay, beta. Now, next digit kya beta? 10. Now, we will 10 minus 5. Beta, 10 mein se 5 hum cut karenge. और उसको बेटा 10 के सामने वाले कॉलम में लिखेंगे. यस, नाउ वी विल कीप 10 इन अवर माइंड, बट 10 को अपने माइंड में रखेंगे एंड वी विल काउंट बैक 5 नंबर्स. यस, स्टार्ट विद, यस, नाउ 9, 8, 7, 6, 5. 5 इज अवर आंसर. ओके बेटा, नाउ 10 माइनस 0. ओके बेटा, मैम यू नो वेरी वेल बेटा, अभी मैम ने फिर से बताया था आपको, अभी मैम ने बताया था ना, देन सेम थिंग अगेन, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी गिवन नंबर, देर इज नो चेंज इन द गिवन नंबर. ओके, इट मीन्स 10 माइनस 0 इज इक्वल्स टू सेम नंबर, मीन्स 10, बिकॉज 0 स्टैंड फॉर नन. और बेटा 0 की जब कोई वैल्यू ही नहीं होती, दैट टाइम वैल्यू नंबर गिवन, जो हमारा नंबर गिवन है ना 10, उस पर कोई चेंज नहीं करेगा. ओके बेटा, यस बेटा, ये जो सम्स थे इस तरीके से हम इनको करते हैं. नाउ अवर होमवर्क टाइम. यस, कंप्लीट पेज नंबर 27 इन योर मैथ्स बुक एंड रिवाइज ऑल द सम्स. ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज ऑल द सम्स थॉरली एंड प्रॉपरली. ओके, नाउ यस, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.